हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन व्हिच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। ऑप्शन ए बी सी डी आर गिवन। चार ऑप्शन गिवन है, करेक्ट ऑप्शन यहां पर हम फाइंड आउट करना है। इसमें क्या गिवन है, एक हमारी लाइन की इक्वेशन है, लेट्स सपोज ये एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। एक लाइन है हमारी जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस है, कितने एंगल बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं, यानी कि ये एंगल हमारा है 30 डिग्री। ये क्या है, ओरिजिन है। इस पॉइंट को हम ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को हम ले लेते हैं बी। बिकॉज ये 30 एंगल है, तो ये वाला एंगल कितना होगा हमारा, 30 डिग्री होगा। बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। बिकॉज ये ओरिजिन है तो यहाँ पर ये एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। ये एंगल 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये वाला कितना बचा। बिकॉज एक ट्रेंगल के अंदर तीनों एंगल का सम हमारा कितना होता है, 180 डिग्री के, तो ये एंगल हमारा हो गया 60 डिग्री। बिकॉज ये कैसा एंगल है, एक लीनियर एंगल है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल हमारा कितना होता है, 180 डिग्री का। या इसको बोल सकते हैं इन दोनों एंगल का सब कितना होगा, 180 डिग्री। बिकॉज ये लीनियर पेयर है, अगर ये 60 है तो ये कितना होगा हमारा, 120 डिग्री। तो इट मीन्स जो इस लाइन का इंक्लिनेशन आया विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, या इंक्लिनेशन को थीटा भी बोल सकते हैं, वो एंगल कितना बना रही है हमारा, 180 डिग्री का एंगल बना रही है। दैट इज यहां से हमें मिला द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन इज थीटा इक्वल टू 120 डिग्री। तो दैट दिस मीन्स हमारा जो स्लोप आएगा, स्लोप हमें तो स्लोप फाइंड आउट करना है, तो स्लोप ऑफ लाइन हो जाएगा हमारा टेन थीटा के इक्वल। थीटा हमारा कितना है, 120 डिग्री, दैट इज टेन 120 डिग्री। और 120 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, टेन की रूट माइनस का रूट थ्री के इक्वल। ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा इसका, ऑप्शन डी मैच करें, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.